हरे कृष्णा। तो आज हम एक विशेष पुराणों के पन्ने के इस कार्यक्रम में चर्चा करने वाले हैं। एक बहुत ही अद्भुत तपस्या करने का नियम बताया है जिससे भगवान श्री कृष्ण अति प्रसन्न हो जाते हैं, और उस व्रत का नाम है भीष्म पंचक व्रत। तो ये जो व्रत है, ये तपस्या हर व्यक्ति को करनी चाहिए। श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद के 5वें अध्याय के श्लोक संख्या 1 में कहा गया है, नायम देहो देहाभाजा मृलोके कष्टान कामान अर्हते विटभुजाम ये तपो दिव्यम पुत्रकायेन सत्वम शुद्धेति यस्मात् ब्रह्म सुखायम तो अनंतम। तो इस श्लोक में ऋषभदेव भगवान बता रहे हैं अपने पुत्रों को, नायम देहो देहो भाजाम लोके, ये जो देह है, शरीर जो हमें मिला है संसार में, हम इस संसार में इस शरीर से सिर्फ भोग करते हैं। और कष्टान कामान अर्हत विट भुजाम ये, इतना कष्ट उठाते हैं परिवार को पालने के लिए, बच्चों को पालने के लिए, अपनी एक सोसाइटी में स्टेटस बनाने के लिए। इस प्रकार से कोई व्यक्ति बोलता है, मेरे तो बच्चे सेटल हो गए हैं जी अमेरिका में, मैंने तो नहीं घर बना लिया है जी, मेरी तो शादी हो गई है जी, इसको व्यक्ति सक्सेस मानता है। लेकिन कह रहे हैं विट भुजाम ये, यानी कि एक प्रकार से जो मल खाने वाले जो पशु हैं, उन पशु के समान ही तो इसने भी भोग किया। फर्क कितना है कि पशु गाड़ी के नीचे सोता है और जो मनुष्य है वो गाड़ी के ऊपर बेड पर सोता है या गाड़ी के अंदर सोता है। जो एक पशु है वो सूखी रोटी खा लेता है, और एक जो मनुष्य है वो अपने कमरे के अंदर अपनी थाली में बैठ करके अच्छे एसी में या हीटर लगा के वो अपनी रोटी सब्जी खाता है। तो खाया दोनों ने, भोग दोनों ने किया, सोए दोनों, दोनों की नींद में कोई भेद नहीं, दोनों के पेट भरने में कोई भेद नहीं। क्या भेद है? खाली स्टेटस का भेद है। यही कह रहे हैं ऋषभदेव भगवान, नायम देहो देह भाजाम लोके, इस संसार में तुम आए हो, इस शरीर का दुरुपयोग मत करो, कितना कष्ट उठा रहे हो, लेकिन फल क्या है? जो विट भुजाम, जो मल खाने वाले पशु हैं, उनके समान ही तो तुमने भी अपने जीवन को व्यस्त कर दिया, व्यर्थ कर डाला। तो क्या करें? तपो दिव्यम पुत्रकायेन सत्वम। तो उनको कहते तुम्हें तपस्या करनी चाहिए, लेकिन कौन सी तपस्या? दिव्य तपस्या। शुद्धेतः यस्मात्, पूरा का पूरा आदमी अंदर से शुद्ध हो जाता है। ब्रह्म सुखायम तो अनंतम, ये जो ब्रह्म सुख है, आत्म साक्षात्कार का सुख है, ये अनंत सुख है। इस संसार में कोई सुख मिलता है, उसके साथ साथ फ्री में एक जोड़ा मिलता है जिसे कहते हैं दुख, सुख का जोड़ा दुख, फ्री एक के साथ एक फ्री। आप खरीदने जाए सुख मिलेगा साथ में दुख। 5,000 रुपए का आपने फोन ले रखा है और दूसरे आदमी ने 40,000 का फोन ले रखा है, दोनों की टक्कर हो गई, दोनों के फोन गिर के टूट गए, ज्यादा दुख किसको होगा? जिसने ज्यादा सुख पाने की अभिलाषा है, यानी सुख में दुख छुपा हुआ होता। इसलिए सुख की कामना करना सही मायने में दुख को बुलावा देना है। तो क्या करें? तपो दिव्यम पुत्र का ये नशत्वम, सत्व स्थिति में, सत्वगुण स्थिति में, शुद्ध सत्व की स्थिति में, ब्रह्म को जाने, आत्मा को जानने के लिए तपस्या करनी चाहिए। पहाड़ पर जाने की जरूरत नहीं है, हमें हिमालय पर जाने की जरूरत नहीं है, हमें जरूरत नहीं कि हम गंगा नदी में सिर के बल उल्टे खड़े हो जाएं, हमें जरूरत नहीं कि चारों तरफ आग लगा करके खड़े हो जाएं। हमें क्या करना है? तपो दिव्यम, ये तपस्या नहीं है, ये दिव्य तपस्या है। दिव्य तपस्या क्या होती है? तो ये भीष्म पंचक का व्रत आ रहा है। इस व्रत को एकादशी से प्रारंभ करके पूर्णमासी तक करना होता है। अभी कई बार लोग बोलते हैं चतुर्मास की बड़ी महिमा है, 4 महीनों की बड़ी महिमा है, इन 4 महीनों में भगवान योग निद्रा में रहते हैं। देवशयनी एकादशी जो आती है, उसके बाद जो पूर्णमासी आती है, उस आषाढ़ पूर्णमासी से लेकर कार्तिक पूर्णमासी तक हम देखते हैं। सावन का महीना आता है, उसके बाद दूसरे महीने में भद्रपद महीना आता है, फिर अश्विन महीना आता है, और फिर अब कार्तिक का महीना। तो ये पूर्णमासी को समाप्त होने वाला है। तो चतुर्मास जो लोग रखते हैं उनको भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है, लेकिन चतुर्मास का नियम अगर भंग हो जाए तो भगवान कहते हैं तुम कार्तिक का महीना रख लो, राधा रानी की कृपा प्राप्त कर। इन कार्तिक की महिमा हमने पिछले अपने कई एपिसोडों में चर्चा करी। अगर कार्तिक की महिमा भी आप उसका सही उपयोग नहीं कर पाए तो अब मौका है, भगवान कहते कोई बात नहीं, एक और मौका देता हूँ। फेलियर बैच है ना हम लोग, तो एक और मौका मिलता है। क्या मौका है? कि एकादशी जो आने वाली है उससे लेकर पूर्णमासी तक
देव उठानी एकादशी से पूर्णमासिक जो कार्तिक पूर्णिमा है, कार्तिक पूर्णिमा जो इस वर्ष 15 तारीख से 19 तारीख के बीच में चलेगा, इन 5 दिनों का अगर कोई व्रत करता है उसे भगवान की अहेतु की कृपा मिलती है। चतुर्मास और कार्तिक के अगर कोई नियम भंग भी हो गए हो और अगर इन 5 दिनों में हम दिव्य तपस्या करें, यानी अपने को पूरा डिवाइन डिवोटी बना लें, अपने आप को पूरा दृढ़ता से सारे नियमों का पालन करें, जो हमने सोचा था कार्तिक में करेंगे लेकिन टूट गए, फिर सोचा था हम चतुर्मास में करेंगे टूट गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये 5 दिन उन नियमों को दृढ़ता से पालन किया तो पूरा चतुर्मास पूरा कार्तिक रखने का फल मिल जाएगा। हरि बोल, बड़ा आनंद का अनुभव है। इसका मतलब लोग सोचेंगे फिर तो चतुर्मास रखने की जरूरत ही नहीं, कार्तिक रखने की जरूरत ही नहीं है, बस ये 5 दिन कर लिया करेंगे। नहीं, भगवान हमारे प्रयासों को देखते हैं, हमें चतुर्मास रखने का प्रयास करना चाहिए, लेकिन ये है प्रयास करने के बाद भी अगर कोई फेल हो जाता है तो फिर भगवान ने उसके लिए बनाया। भगवान अंतर्यामी, वो जानते हैं चीटर्स गेट चीटेड, आप चीटिंग करेंगे आपको फिर चीटिंग फल मिलेगा, इसलिए प्रयास करें इन व्रत को नियम दृढ़ता से पालन करें। अब प्रश्न उठता है कि भाई भीष्म पंचक का व्रत कैसे आ गया, भीष्म नाम कैसे मिला। भगवान श्री कृष्ण ने भीष्म पितामह के अंतिम दिनों में उनको बताया कि एक पंचक नाम, भीष्म पंचक नामक एक व्रत है। तो भीष्म शब्द का अर्थ है जो बड़ा दृढ़ है, ये दृढ़ता का व्रत है। इसमें कोई कार्तिक के 5 दिन व्रत रखे, इसे वशिष्ठ ऋषि ने रखा, इसी व्रत को भृगु मुनि ने रखा, इस व्रत को अनेक अनेक ऋषि मुनियों ने अपनी तपस्या, दिव्य तपस्या करी भगवान को पाने के लिए। हरि नाम की संख्या बढ़ा देना, शास्त्रों का अध्ययन करना, ज्यादा संख्या में भगवान का कीर्तन करना, भगवान की कथाओं को सुनना, भगवान की कथाओं को बोलना, भगवान की सेवा अधिक करना, दीपदान आदि करना, भगवान के लिए अधिक भोग लगाना और खुद बहुत कम भोजन खाना। इस प्रकार से अगर कोई करता है ये तपस्या, नहीं ये दिव्य तपस्या है, सुबह जल्दी उठ जाना, भगवान के लिए आरती करना, मंदिर में जाना, कोई भी नियम आपने लिए हो टूटे हो तो आप अगर ये 5 दिन करते हैं भगवान कहते हैं मैं नलीफाई कर दूंगा, मैं सेटल कर दूंगा, कोई बात नहीं, लेकिन ये 5 दिन। तो भीष्म पितामह को भगवान कृष्ण ने बताया कि पूर्व काल में सतयुग में मथुरा नगरी में एक राजा थे और राजा जो सौवरी थे उनकी एक पत्नी थी कादम्बिनी नाम की। तो एक बार 5 ब्राह्मण और जैन अवंतिका से आए और कहते हैं हम आपकी पत्नी का नृत्य देखना चाहते हैं, हमने सुना है बहुत सुंदर नृत्य करती है। तो उन्होंने कहा कि भाई नृत्य तुम देखना चाहते हो तो ठीक है नृत्य तुम देखो, और वीणा बजाने में, इंस्ट्रूमेंट्स बजाने में बड़े एक्सपर्ट थे। कहा लेकिन तुम 5 भाई आए हो, एक एक करके तुम इसके साथ में रह सकते हो। तो उन्होंने पासी के विष्णु मंदिर में कार्यक्रम आयोजन किया और उसमें एक एक भाई जाते थे और उस स्त्री का गान नृत्य सुनते थे, देखते थे। लेकिन उनका नियम क्या था कि आपको 5 दिन में खाना क्या है, दिव्य तपस्या करनी है। तो एक ने पहले दूध पीकर ही नृत्य देखा, दूसरे ने घी खाकर के ही नृत्य देखा, तीसरे ने दही खाकर के नृत्य देखा, चौथे ने गाय के गोमूत्र को पीकर के नृत्य देखा और पांचवें ने गाय के गोबर को खा के ही नृत्य देखा। इसे कहते पंचगव्य, यानी कि वो इतने बड़े तपस्वी थे, तपस्या करने के कारण राजा ने अपनी पत्नी को उनको नृत्य दिखाने के लिए मौका दिया और वो वीणा बजाते थे, इंस्ट्रूमेंट बजाते थे। ये काम वासना का नृत्य नहीं था, ये प्रेम का नृत्य था। वो अपना इंस्ट्रूमेंट बजा कर देखना चाहते थे कि ये सुंदर स्त्री कैसे नृत्य करती है, क्या इसके अलंकृत जो इसकी भाव भंगिमाएं हैं उनको देखना चाहते थे। तो देखा और कहते हैं कि द्रौपदी ने अपने पूर्व काल में तपस्या करी थी कि शिव जी की तपस्या करी और 5 बार कहने लगी पतिम देही पतिम देही पतिम देही पतिम देही, इसलिए द्रौपदी को 5 पति प्राप्त हुए क्योंकि उन्होंने अपने पूर्व काल में शिव जी से मांगा था। और शास्त्र बताते हैं कि यही कादम्बिनी द्रौपदी बनकर के जन्म लेती है और वो जो 5 ब्राह्मण आए थे वही 5 पांडव बनकर जन्म लेते हैं। और क्योंकि उन्होंने अनजाने में ही दिव्य तपस्या कर ली थी, भगवान का कीर्तन गायन किया था, रात्रि जागरण किया था, इस 5 दिनों के कीर्तन जागरण भक्ति से उनको भगवान श्री कृष्ण पांडवों के अत्यधिक प्रेमी रूप में प्राप्त हुए, कितने क्लोजेस्ट उनके बनकर के रहे भगवान। तो ये बात भीष्म पितामह को बताई भगवान कृष्ण ने और कहा तुम भी अपना ये भीष्म प्रतिज्ञा लो और 5 दिनों में सिर्फ मेरा चिंतन मनन कीर्तन करो। तो भीष्म पितामह ने भी इस व्रत को किया, ये भीष्म पंचक 5 दिनों का व्रत। इसमें करना क्या, एकादशी से प्रारंभ करना है और पूर्णमासी को इसका अंत हो जाता है। तो इसके कई नियम है, कई लोग पंचगव्य पे रहते हैं, जैसे बताया दूध दही घी गोबर गौमूत्र, एक एक दिन में एक एक चीज। लेकिन ये आज के समय में मुश्किल है क्योंकि हम तपस्या नहीं कर सकते, कलयुग के जीव, तो कलयुग के जीवों के लिए है द
दिव्य तपस्या करनी चाहिए। क्या दिव्य तपस्या करें? अधिक माला करें, अधिक शास्त्र पढ़ें। और अगर भोजन के ऊपर देखा है, व्रत जिसे कहा गया, तो एकादशी का जो फलाहार होता है वैसा ही 5 दिन खाएं। या तो फ्रूट 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 ही खाते रहे 5 दिन, या तो फिर एकादशी पे आप जैसे आलू खाते हैं, साबूदाना या जो भी आप खाते हैं, कूटू खाते हैं, वही चीज जो एकादशी पे आप खाते हैं वो द्वादशी को, त्रयोदशी को, चतुर्दशी को और पूर्णमासी को दोपहर के 12-12:30 बजे उसका पारण काल होता है, उसके बाद फिर आप अपना अन्न ग्रहण कर सकते। और इससे क्या मिल जाएगी? पूरे चतुर्मास और कार्तिक व्रत रखने की कृपा प्राप्त हो जाएगी। तो इसलिए कई लोग इसे रखते हैं दृढ़ता से। इसमें कई लोग प्रश्न पूछते हैं कि भाई हमने एकादशी तो प्रारंभ करी जो कि इस वर्ष 15 तारीख को है, 15 नवंबर को, अब द्वादशी आएगी 16 तारीख को, तो हम पारण नहीं करेंगे तो एकादशी का अपमान हो जाएगा, क्योंकि एकादशी के व्रत का अगले दिन पारण करना बहुत जरूरी है। तो अगर पारण नहीं किया तो फिर ये एकादशी भंग हो जाएगी, और अगर पारण कर लिया यानी अन्न खा लिया तो हमारा भीष्मपंचक भंग हो जाएगा। प्रभु जी कैसे इसका सामंजस्य बैठाएं? तो इसके लिए आचार्यों ने बताया, एकादशी के अगले दिन द्वादशी का जब पारण काल आए तो उस पारण काल में भगवान जगन्नाथ का निर्माल्य यानी कि एक चावल का तिनका या आपके घर में जो भी उपलब्ध हो ठाकुर जी को भोग लगा के, उस अन्न का एक दाना, इतना मतलब जिसे कहते हैं ना तिल के दाने से भी छोटा, उतना अपनी जिह्वा पे रख करके पानी पी लीजिए। इससे आपकी एकादशी का पारण भी हो जाएगा और आपकी विश्व पंचक व्रत भी चलता रहेगा, क्योंकि आपने भोग वृत्ति से नहीं खाया इसको, आपने सिर्फ इसको सम्मान की दृष्टि से। एकादशी का सम्मान होता है व्रत करके, और द्वादशी माता का सम्मान होता है व्रत को तोड़ करके। व्रत को जब हम खोलते हैं, जैसे व्रत खोलेंगे तब फिर जाकर के आपको कृपा मिलती है। तो इसलिए एकादशी का पारण करना बहुत आवश्यक होता है। इसी प्रकार से विश्व पंचक 5 दिन करिए और अंत में 5वें दिन अपने वैष्णवों को भोजन प्रसाद खिलाइए बना करके जो आपने छोड़ा था, और उनको कुछ मंदिरों में जाकर दक्षिणा दें। विष्णु मंदिर निर्माण होते हैं, जैसे हमारे इस्कॉन मंदिर का निर्माण हो रहा है, उसमें आकर दक्षिणा दें, और साथ में आप क्या करें, भगवान का अत्यधिक भजन करें। और इस प्रकार से आप दीप भी जला सकते हैं। अखंड दीप जलाने की बड़ी महिमा है, कहते हैं इसमें अखंड दीप आप 5 दिनों के लिए जला सकते हैं। कोई भी कार्य करें लेकिन दिव्य रूप से करें, कृष्ण भक्ति प्राप्ति के लिए। कर्म कांड ना करें कि ये काम करेंगे तो ये फल मिलेगा। अन्य अभिलाषिता शून्यम, सारी की सारी अभिलाषाओं से शून्य होना चाहिए। सिर्फ एक अभिलाषा हो, कृष्ण की प्रीति कैसे प्राप्त हो, कृष्ण चरणों में प्रेम कैसे प्राप्त हो। इसीलिए ऋषभदेव जी कहते हैं, तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम, आपको तपस्या करनी है दिव्य तपस्या। क्या होगा? शुद्ध्यंत यस्मात् ब्रह्म सुखायम तु अनंतम, हमारी शुद्धि जब हो जाएगी आत्मा का सुख मिलेगा, आत्म साक्षात्कार का सुख मिलेगा, और ये सुख कभी घटेगा नहीं, अनंतम एटर्निटी तक चलता रहेगा। तो आशा करते हैं आप अपना ये व्रत विश्व पंचक दृढ़ता से रखेंगे, इसमें आप अत्यधिक जो दिव्य तपस्या है उनको करेंगे, आध्यात्मिक भाव को बढ़ाएंगे, भक्ति भाव को बढ़ाएंगे, कर्म कांड नहीं करेंगे। हरे कृष्ण।